बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डेली सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कि किस तरह के सिग्नल लगाए जाते हैं, तो क्या पोजीशन है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो लोग करते हैं, जो लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हीं में से मैं आज आपको बताता हूँ अपने ग्रुप, जो मेरे ग्रुप पे उनके सिग्नल किस तरह दिए जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक जो ग्रुप है उसका नाम है डेली एफएक्स ट्रेडिंग सिग्नल, और दूसरा है पाकिस्तान एफएक्स गोल्ड ट्रेडिंग 1, और दूसरा तीसरा है पाकिस्तान एफएक्स गोल्ड ट्रेडिंग 2। ये तीन फॉरेक्स ट्रेडिंग के ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुप्स में सेम सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये तीनों ही मेरे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, पहला ग्रुप है तो ये ओपन कर लिए, इसके अंदर जो सिग्नल दिए थे मैं आपको दिखाता हूँ पूरी साफ साफ क्लियर कट। और उसके बाद ये दूसरा पाकिस्तान वाला 1 वाला, इसमें भी ये सेम वही सिचुएशन है, और ये तीसरा ये अब ये वही सिचुएशन है, ठीक है सिग्नल वाली। तो आज हम ये जो पहला मैंने अपना ओपन कर लिया है, ठीक है, तो आज हम इसको इसके बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं कि सिग्नल की क्या परफॉर्मेंस रही है वीकली की, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा हो आप चेक किया करें साहब की क्या परफॉर्मेंस, इसकी कितनी कारकर्दगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो ये जो वीक था, इस वीक मैं तकरीबन 5-6 वीक हो गए मैं सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे तो मैं 6-7 मंथ हुई अब जब से ग्रुप बना, ये काम मैंने शुरू किया है यूट्यूब के ऊपर। ये देखिए ग्रुप क्रिएटेड बाई 11वां महीना था, 13 तारीख थी 2021 में बना हुआ जी, अब 22 का भी कितना टाइम चला गया, ठीक है, वो भी 11वें महीने की स्टार्टिंग 13 तारीख थी, तब से ये काम सिग्नल द्वारा जारी है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जो पिछला लास्ट वीक है ना, बाकी सारी चार्ट मैंने डिलीट कर दी थी, ये पिछले लास्ट वीक से ये जो अभी जो लास्ट अभी जो वीक गुजरा ना उसके सिग्नल मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सिग्नल प्रोवाइड किए, ठीक है। इसी वीक का जो सबसे पहला सिग्नल था ना, वो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ अपनी परफॉर्मेंस एक वीक की। ये जो पहला सिग्नल था, सिग्नल नंबर 0.01, ठीक है, ये नीचे चलते चले जाते हैं, नीचे वॉइस भी मैं सारी साथ अपडेट भी करता रहता हूँ वॉइस वगैरह, तो ये भी उसी की वॉइस है। सिग्नल नंबर 1 जो था ना, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है, सिग्नल 1 का, और मैंने एक वॉइस की थी मैं आपको सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा भी मंडे का पहला सिग्नल तो था तो साथ SLB हिट हो चुका, लगता है अपना फिर सबका बैड लक चल रहा है, लेकिन मजीद मुझे उम्मीद है कि चला चाहिए होगा, ठीक है। तो ये था पहला सिग्नल जो SL हिट हुआ था, उसके बाद फिर चलते हैं दूसरे सिग्नल की तरफ। ये सिग्नल नंबर 2 आ गया आपके सामने, इनकी परफॉर्मेंस भी एंड पे मैंने दिखाई हुई है, ये तो मैं वैसे दिखा रहा हूँ उसके नीचे। फिर चलते चलते सिग्नल नंबर 3 देखते हैं, इनके सारे TP हिट हुए हैं, ये सिग्नल नंबर 3। अब जिसने ये पिक्स मैंने बीच में डिलीट कर दी, नहीं वरना ये थी सारे के सारे प्रॉफिट में। उसके बाद US ऑयल का भी सिग्नल था, ये लिमिट एक्टिव हुई थी US ऑयल वाली, ये जी गोल्ड का बताया हुआ 1738.5 तक गया, उसके बीच यानी कि ये बाय बोला था ना 1728 से बाय करवाया और 38 तक गया। सिग्नल नंबर 2 गोल्ड का जो था उसने 100 pips का प्रॉफिट दिया, उसके बाद फिर ये सेल का सिग्नल आ गया 38 से फिर मैंने सेल का भी सिग्नल दिया, ये सिग्नल नंबर 4 था 38 वाला। US ऑयल का जो सिग्नल था वो 250 pips उसने प्रॉफिट दिया, तकरीबन वो बहुत ही ऊपर गया, मैंने तकरीबन आपके सामने 87 से सेल बाय करवाया और आप ये 94-95 पे है, लेकिन जब जो मैंने क्लोजिंग भी उसी दिन करवाया था वो 250 pip में 0.01 से भी चाहिए तो $25 मिले थे। ये US ऑयल की स्क्रीन शॉट भेजी हुई है मैंने, 0.01 के साथ 250 pip मिला, ये मैंने लिखा हुआ है, ये पढ़ें आप क्या लिखा है, लिखा है 250+ pips बनते हैं अभी, और नीचे से बाय करते तो कोई 86.300 से तो 320 pip, यानी एक दिन में एक घंटे के अंदर ये ट्रेड मैंने तकरीबन 250 pip का प्रॉफिट दिया। इसके अलावा ये जो बाकी रहा गोल्ड का सिग्नल, यूरो USD आ गया, यूरो USD का ये सिग्नल है ना, इसका ये इसके भी RTP हिट हुए बाय के ऊपर, आप मार्केट देख लें इसी वीक में, ये इसने इस लो नहीं लगाया, ये सिग्नल दिया था मैंने, RTP हिट हुए इसके, ये मैं स्क्रीन शॉट प्रॉफिट के हैं जो मैंने दिखाए हुए हैं साथ साथ। इसके अलावा
ये जो सिग्नल नंबर 2 था 4 था, इसका टीपी भी 2 बार लगता है हिट हुआ, एक बार तो पक्का हिट हुआ। ये जो सिग्नल 2 था ना, लेकिन मेरे सिग्नल ऐसे हैं कि अगेन अगेन प्रॉफिट में आते हैं। ये जो सिग्नल नंबर 4 था, जो 2 लिखा गया मिस्टेक, ये 4 से 5 दफ़ा जो प्रॉफिट में आया। ये ऊपर न्यूज़ वाली सिग्नल से ये मैंने चार्ट भेजा हुआ था, ये देख रहे हैं एडवांस चार्ट भेजा था US ऑयल का, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये मैंने यहाँ से एंट्री भी करवाई थी, इस पॉइंट से एंट्री करवाई थी और ये जाने दिया था मेरा टारगेट। अल्हम्दुलिल्लाह 94-95 टारगेट लग चुका, बाकी ये 100 रह गया इसका। तो बाकी आप देख रहे हैं आपके सामने की परफॉर्मेंस है। ये एक्सएनएस का अगर किसी ने अकाउंट बनाना, तो ये लिंक है एक्सएनएस का, और ये अगर अकाउंट बनाने के लिए दिया होता है। उसके अलावा ये सिग्नल नंबर 6 आप देख रहे हैं गोल्ड का सेल का दिया था 1745 से 1745, इसके भी दोनों टीपी हिट हुए 1737 1734 भी। ये जब मैं सिग्नल लगाता हूँ तो वीडियो भी भेजता हूँ, ये देखें, ये मैंने खुद भी ट्रेड लगा के सिग्नल सेंड किया था, ये भी लॉस में है, बाद में प्रॉफिट में मिल जाएगा। इसका USDJPY का आप देख रहे हैं सिग्नल नंबर 7, इसके 8 TP हिट हुए हैं, 1 2 3 तीनों के TP एक ही सिग्नल दिया पूरे वीक में USDJPY के ऊपर। ये देख रहे हैं ये गोल्ड की जब सेल किया गोल्ड, USDJPY 2 सिग्नल थे ना, दोनों लगाए, दोनों की ट्रेड दे दी। USDJPY के भी 8 TP हिट हुए, गोल्ड के भी 8 TP हिट हुए। ये देख रहे हैं ये दोनों ट्रेड प्रॉफिट में, फिर साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ। ये देख लें गोल्ड 1 सेकंड में आ गया, USDJPY भी आ गया। ये देखें फिर गोल्ड 2 पे चला गया था USDJPY थोड़े से, उसके बाद ये भी सेल एक्टिव है सेल एंट्री पॉइंट पे। और ये देखें नीचे गोल्ड का सिग्नल नंबर सेल 6 TP1 TP2 हिट सक्सेसफुली, फिर सिग्नल नंबर 8 आ गया 7, तो USDJPY का था। ये देखिए ये कारें दौड़ा रहा हूँ, इसका अंदर इज रनिंग इन वेल प्रॉफिट, ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में। ये स्क्रीन शॉट आप देख रहे हैं, ये तो भी लोड भी बड़ा है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं 200 प्रॉफिट। और इसको फिर ये गेन देख लें, ये सिग्नल फिर अगेन प्रॉफिट में है। ये देखें TP18 हिट सक्सेसफुली, TP38 हिट सक्सेसफुली, 2-2 घंटे एडवांस सिग्नल दिए जा रहे होते थे। ये भी एक दिन का जो प्रॉफिट किया था मैंने, वो मैंने इधर दिखाया। इसके अलावा न्यूज़ आने वाले थे तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांस है, तो जैसे ही न्यूज़ आई तो मार्केट 100 पीस आपकी तरफ चलेगी। जैसे USDJPY सेल, ये देखें उस कारें दौड़ा रहा हूँ। उसके अलावा सिग्नल नंबर 9 आ गया गोल्ड का सेल का, ये 1748 1752 से, ये भी 2-2 बार प्रॉफिट में आई। ये देखें USDJPY वो ट्रेड, इसके 8 TP हुए थे, मैंने स्क्रीन शॉट भेजा। बाकी रही गोल्ड की बात, 9वां सिग्नल, तो ये 9 सिग्नल 1747 तक गोल्ड आया था, मैंने कहा सर क्लोज कर देना। ये फिर बाय भी चला गया, लेकिन इसका भी 8 TP, ये मैंने चार्ट भेजा था, ये देखें गोल्ड का 1736 से, और से पूरा का पूरा टारगेट इसने हिट किया अपना 1753, एक दिन में ये चार्ट भेजा और पूरा का पूरा टारगेट हिट हुआ। बस ऑयल के नीचे बात की हुई है। फिर गोल्ड का सिग्नल नंबर 10 आ गया 4852 से सेल का, ठीक है। इसी तरह ये डायग्राम भी साथ मैंने भेज दी गोल्ड की भी, गोल्ड की आप चांस है, लेकिन जिसने आप लगाया भी था 1772, ठीक है, 1748 1752 बहुत ट्रेड एक्टिव। लेकिन ये जो सेल सिग्नल था ना, ये लॉस में चला गया था, लेकिन जब 52 वाली एक्टिव हुई तो मैंने खुद ही क्लोज करवा दिया था, ये 0 लॉस पे मैंने ट्रेड क्लोज करवा दिया। ये भी बात है, अपडेट करते रहते साथ साथ क्लोज करवा दीजिए। देखें और बाद में इसके TP भी हिट हुए, कुछ लोगों को मैंने क्लोज करवाई, लेकिन मैंने जो लॉन्ग चलने वाले थे उनको कहा था ऐसा लगा कि ये देखने आर्ट आपके सामने किस तरह मार्केट सेल आ रही, और ये बड़े बुरे तरीके से नीचे गिरी थी। ये रनिंग इन गुड प्रॉफिट, ये देखने सिग्नल नंबर 10 रूल तक गए हैं, चस्ट बढ़िया। ये मैंने साथ लिखा, अपडेट करता रहता हूँ ना मैं सारा पूरा का हफ्ता, एक सिग्नल की अपडेट आती थी। सिग्नल नंबर 11 गोल्ड दिया 1743 1742, और ये 3 से 4 बार प्रॉफिट आया इसका, 6P1 भी हिट हुआ। ये देखें ये स्क्रीनशॉट भी साथ साथ, ये देख रहे हैं रास्ता साफ कर दें, सीट बेल्ट बांध लें, रास्ते में जम भी आ सकते हैं। 1745 मेन पॉइंट भी मैंने बोला, ये साथ जो अपडेट करते रहता हूँ वो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये गोल्ड का है लोड साइज मैं छोटा ही रखता हूँ, रूडों को भी यही कहता हूँ कि छोटा ही लोड, TP1 या ट्वीट 11 का सही, ये 3 से 4 बार ऊपर पहले भी मैसेज कर चुका हूँ, ये रेट फिर एक्टिव हुआ, फिर अगेन 4-4 5-5 सिग्नल अगेन प्रॉफिट में आते रहे। उसके अलावा आ गया सिग्नल नंबर 12 1743 1740, फिर वही सिग्नल, फिर इसका TP, ये देखें सिर्फ स्क्रीन छोड़िए आपके सामने, ये यहाँ पर तो बड़ा लोड लगा हुआ था इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट आपको शो हो रहा है। इसके अलावा ये मैंने पॉइंट दिया 1743 वाला, हुई ये 5 बार जहाँ से ट्रेड एक्टिव हुई और बार बार प्रॉफिट मिला हमें, ठीक है। ये 1700
ऊपर बार बताया 1753 से चल वाला ये H4 की कैंडल बताया हुआ कि कितनी बार बार परफ्यूम हुई। सिग्नल नंबर 12/43/40 TP1 हिट सक्सेसफुली। उसके बाद फिर सिग्नल नंबर 51/53 से चल दे दिया 13, जिसका भी TP1 TP2 हिट सक्सेसफुली हुआ। ये मैंने स्क्रीन शॉट एक भेजी हुई है आपके सामने, ठीक है। इसी तरह फिर फॉलो आ गए, ये देखें दोबारा फिर फॉलो, फिर सब रनिंग इन प्रॉफिट, दोबारा फॉलो करा के प्रॉफिट, फिर अगेन अगेन TP भी हिट करवाएं इनकी। ये देखें आपके सामने 51/55 वाला सिग्नल नंबर 13, फिर 14 आ गया सेल 55/58 से, इसने भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया। ये साथ न्यूज़ की चार्ट डायग्राम भी दिया, सिग्नल नंबर 15 आ गया जी 1755/51 बाय करवाया, इसने भी प्रॉफिट दिया हमें अच्छा खासा। ये देख रहे हैं शॉर्ट स्क्रीन, ये साथ साथ स्क्रीन वगैरह अपडेट में देता रहता था जो भी ट्रेड लगवाता था। ये देखिए, ये देखिए रनिंग इन वेल प्रॉफिट, थर्ड टाइम ट्रेड रनिंग इन वेरी वेरी गुड प्रॉफिट TP1 ये ट्रेड। ये एक एक ट्रेड, एक एक सिग्नल जो है ना चार पाँच बार टाइम प्रॉफिट में आता रहा। और ये मैंने कल पर लेवल ही बताया था 1752/48/44/38 और रेजिस्टेंस लेवल, ये बोले कल ये सारे लेवल ब्रेक हुए। सेवला नंबर सिस्टम बाइक रहा था 53/48, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा 16 का सेवला सिग्नल का। इसके अलावा फिर 17 सिग्नल जो मैंने दिया था वो देखें, अब ये चार्ट भी मैंने भेजा था वैसे ही हुआ था, डिप लगाई थी 1743, उसके बाद फिर इसने 54/55 लगाया न्यूज़ फंडामेंटल ने, पूरा चार्ट जैसे भेजा वैसे ही फॉलो हुआ। ये फिर जब मैंने बाइक करवाया तो ये सिग्नल पूरे का पूरे प्रॉफिट में गए। ये फिर मैंने सिग्नल दे दिया ऊपर से 53/56 का, इसके भी आठ TP हिट हुए 48/44/17 का। इसके अलावा 18 फिर मैंने बाइक रहा 1745/43, इसका ये ट्रेड कुछ लॉस में चली गई, नहीं सॉरी ये तो पेंडिंग ऑर्डर, जहाँ ये लास्ट वाला ऑर्डर है तकरीबन लॉस में क्लोज हुआ, लेकिन ये देखें यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट में क्लोज हुआ। इसके TP हिट हुए सॉरी, इसके भी TP हिट हुए 18 के, फिर 19वां सिग्नल, 19वां फिर वही सिग्नल सेम सिग्नल दोबारा दिया अगेन, लेकिन इस बार ये कुछ ना कुछ लॉस में गया, लेकिन मैंने प्रॉफिट उठाया था यहाँ से भी, ये स्क्रीन शॉट भेजा मैंने। तो नीचे फिर ऐसे इस तरह क्लोजिंग होगी, तो आज सुबह ये अपडेट किया मैंने, जी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा यहाँ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यहाँ से मैंने सिग्नल फिर आज अपने पूरा का पूरा जो वीक था वो परसों देखें, सिग्नल नंबर 1 माइनस में गया 50 पिप, सिग्नल नंबर 2 प्रॉफिट में गया 80 पिप, सिग्नल नंबर 3 US ऑयल का 250+ पिप, इसके नीचे आ गया सिग्नल नंबर 4 क्लोज इन गुड प्रॉफिट, ये 30 पिप्स आ गया, ठीक है ये लिखा हुआ सिग्नल नंबर 4 था, ठीक है। इसके अलावा आ गया जी सिग्नल नंबर 5, ये वाला सिग्नल नंबर 5-6 है ये 80 पिप, उसके बाद सिग्नल नंबर 7 130 पिप, इसके अलावा आ गया सिग्नल नंबर 8 ये 80 ये 60 पिप, ये सिग्नल नंबर 8 है। उसके बाद ये कि सिग्नल नंबर 9 की, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ये सिग्नल क्लोज करवाया मैंने, ये सिग्नल नंबर 9। इसके अलावा बात करते हैं सिग्नल नंबर 10 की, तो ये रहा सिग्नल नंबर 10 और इसकी जो परफॉर्मेंस रही वो ये रही 80 पिप प्रॉफिट लिया हमने इससे। इसके अलावा बात करें सिग्नल नंबर 11 की, तो सिग्नल नंबर 11 ये रहा सिग्नल नंबर 11 50 पिप्स, इसका भी प्रॉफिट हमें मिला। अब बात करें सिग्नल नंबर 12, इसका क्या रिजल्ट मिला, अगेन भी तो प्रॉफिट मिलता रहा लेकिन वह सिंगल टाइम काउंट किया है, ये रहा 50 पिप सिग्नल नंबर 12 की 50 पिप। इसके अलावा आ गया सिग्नल नंबर 13, टोटल 19 सिग्नल हुए थे, ये 30 भी बाय करवाया, ये 80 पिप। अब अगर सिग्नल नंबर 14 गोल्ड सेल फ्रॉम 55/58 से सेल किया 70 पिप्स का इसमें लॉस हुआ 14 सिग्नल में। और उसके बाद सिग्नल नंबर 15, सिग्नल नंबर 15 थर्ड टाइम इन प्रॉफिट, ये देख रहे हैं ये 3-3 बार ये सिग्नल प्रॉफिट में भी आया, लेकिन मैंने 1 टाइम कैलकुलेट किया वो भी कितना 50 पिप्स। इसके अलावा सिग्नल नंबर 16 इसका SL2 16 का, ये देखें 90 पिप्स लॉस इसका SL2 गया।
उसके बाद सिग्नल नंबर 17 सेल का जिसने फॉलो किया होगा, जिस सेल का दिया था इसके 8 टीपी हिट हुए, लेकिन मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मैंने ज़्यादातर बाई पे दिया हुआ था। ये सिग्नल नंबर बाय था 18, इसके ऊपर से हमें 100 पे मिला, और लास्ट सिग्नल नंबर 19 इससे भी कुछ लॉस मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई गई है, ये देख रहे हैं लॉस सिग्नल जो थे वो कितने थे, एक पहला सिग्नल 14, 16 और 19, चार सिग्नल थे लॉस में, तो इसका ये जो है ना लॉस बना था, ये बनते तकरीबन 90 और 100, 160, 260, ये थोड़ी सी मिस्टेक क्योंकि मैंने 160 लिखे थे, 260 पिप। ठीक है, चार सिग्नल का टिप ऐसा लेट हुए, कितना पिप, 260, यानी कि अगर 0.01 से भी होता तो $26 लॉस हुआ 0.01 के हिसाब से। अच्छा, और आप देखें प्रॉफिट जो से आया, ये प्रॉफिट वाले पिप्स, लेकिन एक सिग्नल जो ज़ीरो लॉस में क्लोज हुआ था, और बाकी ये तकरीबन जो प्रॉफिट मिला मुझे वो मिला कितने, 1010 पिप्स, कितने डॉलर बन गए, 101, लॉस कितना 26, 101 में से 26 गए माइनस करो बाकी कितना 75, यानी कि 7500 पिप, 7500 पिप का प्रॉफिट, और सॉरी 750 का, 750 पिप का प्रॉफिट हमने लिया एक इस वीक में। ये रिजल्ट हमने निकाला हुआ आपके सामने, क्योंकि 1000 में से 160 माइनस 750 बनता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीक 750। हाँ, पिछले में 6-7 वीक से वीकली परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, कैलकुलेट भी कर रहा हूँ, हर वीक में उन्हें 1000 से ऊपर 600, 700, 800, 900 पे प्रॉफिट मिल सकते हैं। ठीक है, आइए देखें ये परफॉर्मेंस सामने, अगर आपने भी ज्वाइन करना है तो ग्रुप कर सकते हैं, अगर बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, ग्रुप में आपको नज़र आ ही गया होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई बात ना समझ ये तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। फिर अपना नेक्स्ट ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बहुत ही अल्लाह हाफिज़। ये वीक सिर्फ 5 दिन का चलता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।